नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। गवर्नमेंट ने एक और बड़ी पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च कर दिया है, और इस बार इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले तो आपके सामने लिखा ही हुआ है कि एक तो सोलर मॉड्यूल्स का कॉम्पोनेंट रखा गया है इसमें, और दूसरा इसमें जो कॉम्पोनेंट रखा गया है दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वाइट गुड्स। तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली इस स्कीम के क्या क्या प्रावधान हैं, ऑल्सो आपसे डिस्कस किया जाएगा कि वाइट गुड्स क्या होते हैं, एंड बड़े रूप पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट आखिरकार इतनी सारी पीएलआई स्कीम्स को लॉन्च क्यों कर रही है, इसके क्या क्या फायदे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को और खास करके हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध, साथ ही में अनअकैडमी के बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, और इस बैच कोर्स में यदि आपको हिस्सा लेना है तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को परचेज करना होगा, जिसके ऊपर फिलहाल ऑफर चल रहा है। अगर आप आज ऑफर को परचेज करते हैं, सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, तो आपको 12 महीने की जगह सीधा जो है वो 16 महीने की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन ये करने के लिए आपको ये वाला कोड यूज़ करना होगा ANIUPSC, और इसके चलते आप कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर भले वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो, फिर भले वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, या फिर भले वो आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो, या फिर इवन वो अगर ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन हो, हर केस में आपको 10% का डिस्काउंट और साथ में आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आपको केवल इस कोड को यूज करना है जिसमें आपको वैलिडिटी प्लस आपको 10% का डिस्काउंट दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही में 14 अप्रैल तक एक और ऑफर है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो साथ में आपको 20 फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी, जो कि आप बड़ी आसानी से रेफर कर सकते हैं कल को आपको अगर रिवीजन के लिए यूज करना है तो। राइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइट गुड्स क्या होते हैं। देखिए, वाइट गुड्स बेसिकली वो वाले गुड्स होते हैं जो कि लार्ज होम अप्लायंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके लेफ्ट साइड में आप इमेज देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर हुआ, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन हुआ, ये भी एक वॉशिंग मशीन है, फॉर एग्जाम्पल वाटर डिस्पेंसर्स हुए, या फिर एयर कंडीशनर्स हुए, या फिर जो आपके वाटर हीटर गीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक तरीके के वाइट गुड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सारे की सारे जो हैं लार्ज होम अप्लायंसेस होते हैं। अब इनको वाइट गुड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली जब ये बनाए जाते थे तो केवल सफ़ेद रंग में ही आते थे। वो अलग बात है कि आज की डेट में आपको हर तरह के रंग ऐसे गुड्स में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक बार इनका नाम पड़ गया था वाइट गुड्स, तो आज भी इनको वाइट गुड्स ही कहा जाता है। इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने अब पीएलआई स्कीम को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो बड़ा कंपोनेंट है 10,700 करोड़ में वो वाइट गुड्स को दिया गया है, और थोड़ा कम कंपोनेंट सोलर मॉड्यूल्स को दिया गया है। इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 60% का जो कंपोनेंट है वो वाइट गुड्स के लिए है, और 40% का जो कंपोनेंट है वो सोलर मॉड्यूल्स के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं आज ही की ये खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया इसको, और कैबिनेट के द्वारा इसको क्लियरेंस मिल चुकी है। नाउ जो टोटल स्कीम का आउटले है वो 10,738 करोड़ का है, और ये वाला पैसा सरकार के द्वारा अगले 5 साल में निवेश किया जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, वाइट गुड्स और सोलर मॉड्यूल्स, और आपको मैंने बता दिया है अगले 5 साल में 10,738 करोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैनर्स को भी लॉन्च किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस बैनर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। इंसेंटिव ऑफ ₹6,238 करोड़ ओवर 5 ईयर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और प्रोडक्शन वर्थ ₹1.68 लाख करोड़, एंड एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹64,400 करोड़ एस्टिमेटेड। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो केवल इतना पैसा निवेश करेगी, और इसके बाद 10,738 करोड़ में से असल में जो आपका वाइट गुड्स हैं उसमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा 6,238 करोड़, और इसके चलते जो हमें फ़ायदा मिलेगा प्रोडक्शन में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.68 लाख करोड़, और एक्सपोर्ट्स में हमें फ़ायदा मिलेगा 64,400 करोड़ का। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ जो हम रोजगार जनरेट करेंगे इट विल बी 4 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर ब्रेकडाउन कर दें तो देखिए, वाइट गुड्स को पैसा दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली 6,238 करोड़, जो सोलर मॉड्यूल्स का कंपोनेंट है इसको पैसा दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली 4,500 करोड़ का। इंसेंटिव्स देखिए, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज़ को भी लिस्ट आउट कर दिया है, और ये चीज़ मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया है कि जैसे ही आपने स्कीम लॉन्च करी आपने ये भी बता दिया कि इंसेंटिव्स किस लेवल के होने वाले हैं, सो दैट जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उसके अनुसार अपना फैसला ले सकें कि क्या हमें अच्छा इंसेंटिव मिलने वाला भी है या नहीं।
तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस बैनर में इंसेंटिव ऑफ 4-6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स, और इसके साथ ही में कंपलसरी BIS और BEE क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर सेल्स भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, सो दैट उनकी जो सेल है वो बड़ी आसानी से हो सके। ये जो 4-6% का इंसेंटिव होता है ना, जिसको कि हम PLI स्कीम में कहते हैं, ये 4-6% कुछ नहीं होता, बेसिकली जितना भी कंपनी का जो सेल है वो बढ़ जाएगा, जितना टर्नओवर कंपनी का बढ़ जाएगा उसका 4-6% डायरेक्टली गवर्नमेंट अपनी पूंजी में से उस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। ऑब्वियसली ये इंसेंटिव फिलहाल बहुत ज़्यादा है, आगे जाकर इन इंसेंटिव को गवर्नमेंट कम करेगी, लेकिन आज की डेट में लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, कंपनीज को और ज़्यादा सामने लाने के लिए ये इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। ये जो 4-6% का इंसेंटिव है ये फिलहाल के लिए केवल व्हाइट गुड्स वाली कैटेगरी के लिए दिया गया है। सोलर मॉड्यूल की कैटेगरी के लिए अभी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव फाइनलाइज नहीं किया है, बिकॉज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो अभी कुछ कुछ चीज़ों को देख रही है, वंस दे आर फाइनलाइज्ड उसके बाद ये वाले इंसेंटिव को भी अनाउंस कर दिया जाएगा। साथ ही में इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते गवर्नमेंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे एरियाज में भी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कमिंग टू द सोलर मॉड्यूल स्कीम, इवन दो बड़ा कॉम्पोनेंट व्हाइट गुड्स के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें जो गेम चेंजर होने वाला है वो सोलर मॉड्यूल्स वाला कॉम्पोनेंट होने वाला है। सोलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं कई सारे इसके लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपके सामने सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर ये छोटा सा जो पार्ट है राइट, इसको कहा जाता है सोलर सेल। ये सोलर सेल जब ये बड़ा बन जाता है तो इसको कहा जाता है सोलर मॉड्यूल या फिर सोलर पैनल, और जैसे ही ये इतने सारे एक साथ लगे हुए हैं तो इसको कहा जाता है सोलर एरे। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इन सोलर एरेज या सोलर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए अब इंसेंटिव लॉन्च कर दिया है। इसमें गवर्नमेंट का ये मानना है कि आगे जाकर जो हमारी सोलर मॉड्यूल को बनाने की कैपेसिटी है ये काफ़ी बढ़ जाएगी। आज की डेट में हमारी कैपेसिटी केवल 10 गीगावाट तक के सोलर मॉड्यूल्स को बनाने की है, लेकिन आगे जाके हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज करना बाकी हैं, वंस दे आर फाइनलाइज उसके बाद ये वाली स्कीम की पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। द रीज़न आई वाज सेइंग कि सोलर मॉड्यूल्स की स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा बेहतरीन है, उसका रीज़न बड़ा साफ है। देखिए अभी तक इंडिया जो है बहुत भारी तरीके से डिपेंडेंट थी दो देशों के ऊपर, एक तो था चाइना और दूसरा है जर्मनी। इन दोनों ही देशों से हमारे जो सोलर मॉड्यूल्स का इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट पिछले साल की आप खबर यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 5, 2020, पिछले साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 ख़त्म हुआ था उस टाइम पे एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि ये बताया गया था इंडिया ने चाइना से $1,180 मिलियन तक का सोलर पावर इक्विपमेंट मंगवाया है, जिसमें कि सोलर सेल्स को भी इंक्लूड किया गया था, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा कारण बन रहा था भारत और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। और इसी के चलते पिछले साल गवर्नमेंट ने जून जुलाई के आसपास की बात है ये कह दिया था कि हम 1 अगस्त 2020 के बाद से जो चाइना से सोलर PV मॉड्यूल्स हैं, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं, इसको हम थोड़ा सा कम करने वाले हैं, इसका इम्पोर्ट हम कम करने वाले हैं। क्योंकि हमने इम्पोर्ट कम कर दिया है और साथ में अब हमने सोलर मॉड्यूल्स के लिए PLI स्कीम को लॉन्च कर दिया है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरीन बात हो सकती है हमारे सेक्टर के लिए, जिसके चलते हमारे सोलर एनर्जी के टारगेट्स भी पूरे हो सकते हैं और हमारा जो डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर भी कम हो सकता है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है वो PLI स्कीम को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, देखिए जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, हमने ये वीडियो बनाई थी पाथफाइंडर के ऊपर कि गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 10,900 करोड़ की PLI स्कीम को लॉन्च किया था। आई एम श्योर आपने इस वीडियो को देखा होगा। देखिए ये वाला जो PLI स्कीम का सिलसिला है असल में पिछले साल शुरू हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली मार्च 2020 की बात है, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हम PLI स्कीम को लाने वाले हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भविष्य में जाकर हम PLI स्कीम अप्रॉक्सीमेटली 11 क्षेत्रों के लिए लाने वाले हैं, जो सबसे पहला क्षेत्र है वो होने वाला है स्मार्टफोन्स का सेक्टर। और स्मार्टफोन्स के सेक्टर में जो हमें रिस्पॉन्स मिला था, बिलीव मी वो बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने दोबारा पीछे मुड़के नहीं देखा है। गवर्नमेंट आज तक पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है रिगार्डिंग द PLI स्कीम, क्योंकि हमें इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला तो गवर्नमेंट ने बैक टू बैक PLI स्कीम और कई सारे सेक्टर्स के लिए अनाउंस किया है, क्योंकि इसके चलते हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। देखिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, जो विनिर्माण जो उत्पादन करने की हमारी क्षमता है, वो तो ऑब्वियसली बढ़ती ही बढ़ती है। मोर इम्पॉर्टेंटली PLI स्कीम के साथ हमारे सभी सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है वो बढ़ रही है, यानी कि ऐसा कहना गलत होगा
कि अभी तक जो है वो केवल कुछ कुछ सेक्टर्स को फायदा हो रहा था, क्योंकि अब गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स को और अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इनके अंदर रोप इन कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो फायदा है वो भी फैल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो भी और ज़्यादा कंपेटिटिव बन जाएंगे, वो भी और ज़्यादा फायदेमंद बन जाएंगे भारत के लिए, जिसके चलते हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, दिस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम, इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम आगे जाके हमारा यही उद्देश्य है कि भारत में एक कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाया जाए। तो ये भी मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पीएलआई स्कीम्स का, जो कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए निकाली जा रही हैं, कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनना भी हमें इसमें फायदा मिल सकता है। केवल इतना ही नहीं, भारत का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का, उसमें भी एक बहुत बड़ा ये पड़ाव है, बहुत बड़ा एक स्टेप मानूंगा मैं, जो कि पीएलआई स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही में इंडिया को हम ग्लोबली कंपेटिटिव बना रहे हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आगे जाकर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिया में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीएलआई स्कीम ऐसा नहीं कि केवल डोमेस्टिक फर्म्स के लिए है। अगर कोई विदेशी फर्म है जो कि भारत में आके अपना फैक्ट्री लगाना चाहती है, उसको भी पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल करवाया गया है। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो कि पीएलआई स्कीम के गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा, इस रविवार के दिन फिर से अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव। इसमें आपको यदि हिस्सा लेना है तो ये वाले कोड को इस्तेमाल कीजिए, जिसके चलते आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। पॉपुलर डिमांड पे हमने इस टेस्ट को हिंदी में भी उपलब्ध करवा दिया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। हर रोज 12:30 बजे ये टेस्ट कंडक्ट होता है, एक्सेप्ट संडे। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो ये वाले कोड को यूज कीजिए, ANI UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।